कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा से पूर्व हुए झंडे विवाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। झंडा विवाद में अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने वाले भिलाई नगर विधायक और बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का मीडिया में दिया गया एक बयान चर्चा में है। पहले राहुल गांधी की सभा के समय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव हाथ जोड़ते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर FIR करो, और जब पुलिस विभाग ने इस मामले में अज्ञात 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो अब देवेंद्र यादव के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। वे मीडिया में दिए बयान में अधिकारियों को सीधे सीधे ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। देवेंद्र यादव ने अधिकारियों को डरा हुआ और मजबूर बताते हुए कहा कि सब ट्रांसफर और पोस्टिंग के हिसाब से गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि अधिकारियों को शोभा नहीं देता। जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हो रही थी मेरी, और महापौर जी से भी, थोड़ा प्रचार प्रसार की व्यस्तता है, लेकिन इस बीच में समय निकाल के हम लोग जाएंगे पुलिस अधीक्षक से मिलने और पूछेंगे, भैया आपने लिखा है, हमने FIR की कॉपी मंगवाई है, एक बार पढ़ना है उसको, उसमें लिखा है कांग्रेस के 10 कुछ कार्यकर्ता, तो हम पूछेंगे कौन किसको देखा आपने करते हुए, किसको बाद में डराओगे धमकाओगे, चुनाव के एक दिन पहले उठाओगे, तो इससे अच्छा सीधी सीधी बात करो, हम कोई डरते डरते नहीं है इन लोगों के ये सब चीजों से। देखो अब क्या है, प्रशासन को भी देख के मुझे दुख होता है, प्रशासनिक कार्रवाई जिस तरीके से अधिकारियों को रखनी चाहिए वैसी नहीं रख पा रहे हैं, डरे हुए हैं, ठीक है, और सब अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो शोभा नहीं देता आचार संहिता में उनको, लेकिन हम तो जाएंगे बात करेंगे, और उनको लगता है हमको गिरफ्तार करना है तो करे, जितना है तो करके दिखाए, हम तैयार है।